एक जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी खुशी रहते थे। वे साथ में ही खाना इकट्ठा करते थे और उसके बाद देर तक बातें करते थे। लेकिन शायद उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थीं, क्योंकि उस जंगल में एक नया चील आ जाता है और फिर अगला दिन हो जाता है। आज तो हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, वहाँ पर खाने को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और मैं तो वहाँ पर तितलियों के साथ भी खेलूंगा। ऐसा सोचकर वे पक्षी जंगल से चले जाते हैं, लेकिन इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उस जंगल में एक नया चील आ गया है। अब तक तो सारे पक्षी चले गए होंगे। अगर उन पक्षियों के बच्चे मिल गए तो उन्हें खाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं भी मिले तो मैं तो अंडों से भी काम चला लूंगा। ऐसा सोचकर चील जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद चील को एक घोंसला नजर आता है। उसमें एक चिड़िया का बच्चा भी था। वो उस बच्चे को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लेता है और उसको जंगल से ले जाता है। चलो अब हमने यहाँ पे बहुत मस्ती कर ली है, अब हमको अपने घर भी जाना चाहिए। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन अब सभी लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक चिड़िया को उसका बच्चा नहीं मिलता है और वो ऐसा देखकर रोने लगती है। दोस्त, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? जब मैं यहाँ से गई थी तब तो वो मेरे घोंसले में ही था, कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा है। वह हमारे घर पे नहीं आया है। माँ, जब तुम यहाँ पर नहीं थी तब यहाँ से मैंने एक चील को जाते हुए देखा था। मैं तो उसे देखते ही पत्तों में छुप गया था। और फिर दोनों चिड़ियाओं को सारी बात समझ में आ जाती है और फिर अगला दिन हो जाता है। अगले दिन बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। मैंने पहाड़ों के पास एक चील को देखा है, उसके पास तुम्हारे बच्चों के पंख भी पड़े थे। ऐसा सुनकर वो चिड़िया रोने लगती है। दोस्त, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब हमें सावधान रहना होगा। लेकिन हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते, वो एक एक करके सभी पक्षियों को मार डालेगी। और फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कौवा अपने घर जाने के बाद थोड़ी देर कुछ सोचता है और उसके बाद चील की तरफ चला जाता है। चील भाई, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। आप जितने भी अंडे चाहिए और जितने भी बच्चे चाहिए उनका पता मैं आपको बताऊँगा, बस आप मेरे घोंसले के बगल से मत निकलना। इसका मतलब तुम्हारे घोंसले में भी कोई बच्चा है और मुझे तुम्हारी दोस्ती से क्या फायदा? हाँ, मुझे अपना बच्चा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपको जो भी चीज़ चाहिए रहेगी उसका पता मैं बताऊँगा, बस आप मेरे बच्चे को कुछ मत करना। और आपको इससे रोज़ रोज़ खाना भी मिल जाया करेगा और मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को ही खाऊंगा। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मेरे ऊपर सब लोग शक करने लगेंगे। अरे चिड़िया, क्यों आज खाना लेने नहीं जाओगी? जाना तो है, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पर अकेला रहेगा और अगर उसको उस चील ने मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, बिना खाने के हम सब नहीं रह सकते हैं। मैं तो खाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तभी दूसरी चिड़िया भी आ जाती है। ये कौवा क्या कह रहा था? कौवा मुझसे कह रहा था कि आज हमें खाना लेने तो जाना ही पड़ेगा, भले ही हमारा बच्चा अकेला रहे लेकिन हमें खाना लेने तो जाना ही चाहिए। मैंने कल इस कौवे को उस चील से बात करते हुए देखा था, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए और अगर तुम्हें खाना लेने जाना है तो अपने बच्चे को भी साथ में लेकर चलो। चिड़िया अपने बच्चे को पीठ पर बिठा के खाना ढूंढने के लिए दूर चली जाती है। फिर कौवा चील को बता देता है कि चिड़िया के घोंसले में केवल उसका बच्चा ही है और वो उसे आसानी से मार सकता है। थोड़ी देर बाद चील जंगल की ओर निकल लेता है और जब वो चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है और वो बहुत गुस्सा होता है। फिर चील आगे जाता है, वहाँ पर उसे तोते का बच्चा तो दिखता है लेकिन उसके साथ बड़ा तोता भी रहता है और इसलिए चील वापस लौट आता है। इस कौवे ने मेरे साथ धोखा किया है, अब मुझे इस कौवे के बच्चे को ही मार कर खाना पड़ेगा। चलो कम से कम मुझे खाना तो मिल ही जाएगा और मुझे इस कौवे से दोस्ती की क्या ही परवाह पड़ी है। फिर चील कौवे के बच्चे को अपने पंजों में दबा लेती है और उसको लिए जाती है।
दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।